माही बेटा, तुम मुझसे एक वादा करो। हुक्म। तुम और जन्नत हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अभी वो सिला की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। दरअसल बेटा, उसको घर छोड़ने का बहुत दुख है। सैम का चेकअप करवाना चाहिए डॉक्टर से, क्यों? मुझे उसकी कंडीशन देख के शक हो रहा है। किस बात का? इस बात का कि कहीं वो ड्रग्स तो नहीं ले रहा। मैंने तुम्हें मना किया था ना, जन्नत को शॉपिंग पे मत ले जाओ। अम्मी मुझे माफ कर दें प्लीज, मेरी बेवकूफी की वजह से सब कुछ हुआ है। ना हम जाते ना ये सब कुछ होता। तो जरा मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी बर्थडे पार्टी थी जिसकी वापसी सुबह हुई। वो मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी तो मैं वहीं सो गई थी। ओ, तो इस फ्रेंड का कोई नाम वाम तो होगा ना? ब्लड की जरूरत पड़ेगी, आप फौरन ब्लड का इंतजाम कर ले। मैं अपनी जन्नत से मिल सकती हूँ? जी अभी नहीं। हुमायूं बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? अम्मी वो ब्लड बैंक में ब्लड देने गया था। बेटा मैं उस नर्स से बार बार पूछ रही हूँ, कुछ बता ही नहीं रही। शायद आपको परेशान नहीं करना चाह रही होगी इसलिए। चला गए? आ गई। तुम मुझे बता देती मैं ले आता ही हूँ। तुम कोई बात नहीं, बस मैं आप लोगों के लिए लेने गई थी जूस और कुछ सैंडविचेस हैं। नहीं मुझे भूख नहीं। भूख तो हम में से किसी को नहीं है, लेकिन आप ब्लड देखकर आए ना, थोड़ा सा खा लें प्लीज। हुमायूं बेटा सिला सही कह रही है, थोड़ा सा खा लो। एक शर्त पे खाऊंगा, अगर हम सब मिलकर खाएं तो। ठीक है। बस और नहीं खाया जा रहा। मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को घर छोड़ के आ जाऊं। नहीं बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ बैठे बैठे थके होंगे, घर जाके आराम कर लो। तुम भी सुबह से ऑफिस में थी। नहीं मुझे घर नहीं जाना। बेटा अस्पताल में सुकून नहीं मिल रहा तो घर तो जाके और भी बेचैनी होगी। मुबारक हो आपके यहाँ बैठा हुआ है जी। बाकी जन्नत तो ठीक है ना? माँ और बच्चा दोनों ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हम मिल सकते हैं उनसे? जी, पेशेंट को हम रूम में शिफ्ट कर दें, उसके बाद आप मिल सकते हैं। ठीक है। जन्नत मैं बता नहीं सकता तुमने मुझे जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी है। जैसे लावारिस को तुमने इतनी सारी खुशियां दे दी। घर दिया, एक प्यारा सा रिश्ता अपनी सूरत। आज आप मुझे जिंदगी का एक ऐसा रिश्ता दे दिया जो पूरे का पूरा मेरा है। कैसा इंसान दिया जो सिर्फ मेरा है। तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जन्नत मुझे माफ कर दो, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सब इतने परेशान हो गए थे। सिलाइस में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं भी इसको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसने सब कुछ जानबूझकर प्लान तो नहीं किया था। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, इन दिनों में याद बहुत जरूरी है। अम्मी इस दफा माफ कर दीजिए इसे, आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। मैं इसको सिर्फ अपने नवासे के आने की खुशी में माफ कर रही हूँ। थैंक यू अम्मी। अम्मी देखिए कितना प्यारा है ना, कुल जन्नत की तरह। नहीं ये तो बिल्कुल हुमायूं बेटे की कॉपी है।
दादी अम्मा, आपका फोन क्यों बंद जा रहा है? चूल्हे में डालो फोन को, पहले मैं बहुत परेशान हूँ। वो सिला आपको फोन करी थी, आपका फोन बंद जा रहा है और अब्बू भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। सिला मनोज क्यों हमें फोन कर रही है? वो जन्नत के बेटा पैदा हुआ ना, उसकी खुशखबरी सुनाने के लिए। तौबा है तौबा, जमान को अपनी नई बेगम से प्यार हो गया और तुम्हें अपनी सौतेली बहनों से हमदर्दी होने लग गई। दादी अम्मा प्लीज समझा के बात किया करें, क्या मतलब है आपका? अरे ये सिला है ना, हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है। किस बात का? हमारे सर पर सभा आकर बैठ गई और ये माँ बेटियाँ ऐशो इशरत और आराम की जिंदगी गुजार रही है। जन्नत तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये तो खुशी और शुक्र के आंसू हैं। इतनी मुद्दत के बाद अम्मी के चेहरे पर खुशी और सुकून देखा है। और तुम्हारा भी जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरा शुक्र किस लिए? तुमने हिम्मत नहीं हारी और मुझे सही वक्त पर हॉस्पिटल लेकर आए। शुक्र तो हमें हुमायूं भाई का करना चाहिए, इतनी टेंशन में उन्होंने सब्र और तहमुल से काम लिया और मेरी बेवकूफी की सजा देने के बजाय मुझे सपोर्ट करते रहे। शुक्र है सिला, तुम्हारे दिल में हुमायूं को लेकर जो शको शबात थे वो खत्म हो गए। तुम्हें पता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें हुमायूं भाई जैसे हस्बैंड मिले। तौबा है तौबा, ऐसा नवाबजादी को देखो यहाँ बैठी भी है और मैं पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के हलकान हुई जा रही हूँ। हैं? दादी अम्मा सुबह हुई नहीं कि आपकी तकरीर शुरू हो जाती है। अरे सारा दिन देख जरा कितना आ गया है और तू इसको सुबह कह रही है, हैं? ओह प्लीज, अच्छा चले बताए क्यों ढूंढ रही थी? एक जरूरी बात करनी है। मुझे ये बता, तूने जन्नत के बच्चे का किसी को बताया तो नहीं? नहीं, क्यों, क्या हुआ? बस ठीक। अरे जब ये मनोज हमारे लिए कुछ नहीं है तो हमें क्या जरूरत है इनके खुशियों में शामिल होने की? दादी अम्मा क्या हो गया, मुझे तो जाना, और आप भी मेरे साथ चलेंगी, मजा आएगा। मैं खाला जी बन गई हूँ। मैं खाला जी बन गई हूँ। अरे ओ बात सुन, तू है ना जन्नत के बच्चे की सौतेली खाला है, सगी खाला तो सिला है और वो उसके पास है। हेलो, इन बाप बेटे का तो दिमाग ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। अच्छा छोड़ के चली गई कमबख्त, मैं ही पूछ लेती हूँ। ये सब आप लेकर आए? सिला तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए। मैंने? तुमने एक बुरे इंसान के साथ एक बहुत बुरा वक्त गुजारा, मेरे अंदर की तमाम अच्छाइयां तुम्हारी वजह से पैदा, तो आज मैं सलाखों के पीछे होता या फिर किसी की गोली का निशाना बन चुका हूं। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकाल, जो भी हुआ उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाए। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, जब उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था यारो मददगार ठोकरे खाने के लिए, तब आप ही हमारा मजबूत सहारा बने। सिला ने कितना कुछ कहा आपको, कभी बुरा नहीं मनाया, हमेशा मुस्कुरा कर टालते रहे। सिला भी आपसे माफी मांगना चाहती है। अगर ऐसी बात है तो हमें अपने शहजादे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसके इस घर में कदम रखते ही इस घर की सारी परेशानियां दूर होना शुरू।
साइम, साइम क्या है? उठो। क्यों उठूं? कि तुमने अपना और कमरे का क्या हाल बना रखा है? जन्ना तो सिला थे तो उन्हें कमरा साफ करते थे। मेरे ख्याल से कि तुम इतने बड़े हो कि तुम्हें किसी की मोहताजी नहीं होनी चाहिए, ये काम तुम खुद भी कर सकते हो। तो ठीक है, जब उठूंगा कर लूंगा। उठ जाऊंगा नहीं, उठना है। उठो अभी, ये सफाई मैं कर लेती हूँ, जाके तैयार हो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। क्या, कहाँ जाना है? तो तुम सवाल बहुत करते हो, हम डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास क्यों जाना है? बिल्कुल फिट हूँ। जाने की जरूरत है, मैंने डॉक्टर से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लिया है। आपने किससे पूछ के अपॉइंटमेंट लिया है? आप अपनी चोरी छुपाने के लिए मेरा चेकअप और मेरा डॉक्टर के पास जाने का ड्रामा कर रही हैं। देखो सैम, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ और कुछ नहीं। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं आपका प्लान अच्छी तरीके से समझ गया हूँ और मैं दादी अम्मा को सब कुछ जाके बता रहा हूँ। मेरी बात सुनो सैम। साइम, साइम, अजीब लगा भाई। अम्मी अब तो आप खुश हैं ना? कम से कम घर में तो सब एक हो गए। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं, अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली, अब तो मेरा शहजादा भी आ गया है। अम्मी, हुमायूं की एक ख्वाहिश है कि इस बच्चे का नाम आप रखें। अच्छा, तुम्हारे अब्बू को अब्दुल्ला नाम बहुत पसंद था। तो बस ठीक है, आज से इस शहजादे का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, कितना प्यारा नाम है। काश के इस खुशी के मौके पे अम्मा, जमान, साइम और महक भी आ जाते। सिला ने फोन तो किया था, पर आपको जमान, अब्बू और दादी का तो पता ही है। महक और साइम तो आ सकते थे ना? उन लोगों ने उन दोनों को भी नहीं आने दिया होगा। बस अल्लाह मुझे जल्द अपने बच्चों से मिलाते हैं। आमीन। तुम्हें समझ आ गया जो मैंने बोला है? मैं आपको पहले भी बता चुकी और अब लास्ट टाइम समझाने की कोशिश करें कि ये मेरी लाइफ है और मुझे इसे कैसे गुजारना है मुझे ज्यादा बेहतर मालूम। देखो महक, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि शरीफ लड़कियों के लाइफस्टाइल ऐसे नहीं होते? आपको कैसे मालूम? और बाय द वे, अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे कैसे लाइफ गुजारनी? देखो, मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूं ताकि आगे जाके तुम्हें किसी बात पे भी पछतावा ना हो। ये तो आपको अब्बू से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ताकि हमें पछताना ना पड़ता। और अब आप कान खोल के सुनो कि मैं अपनी फ्रेंड्स में भी जाऊंगी और पार्टीज भी करूंगी। गुड, जरूर जाओ, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो। मैं तुम्हारे बाप के नॉलेज में आज ये बात डाल दूंगी कि उनकी बेटी क्या करती फिर रही है, ताकि आगे कोई टेंशन ना हो। ठीक है? आप और कर भी क्या सकती हैं, मैं ऐसा ही करूंगी। शफकत भाई, सभा तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। क्यों, अब क्या हो गया? मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाना चाह रही है, मेरा चेकअप करवाना चाह रही है। चेकअप क्यों? मुझे लगता है उनको डाउट हो गया कि मैं नशे कर रहा हूँ। ओए बात सुन साइम, तू जा तो नहीं रहा ना डॉक्टर के पास? नहीं नहीं शफकत भाई, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। जाना भी नहीं, छोड़ उसको, उसका तो दिमाग खराब हो गया, पहले मेरे पीछे पड़ी रही अब तेरे पीछे पड़ गई। खैर, तू फिकर नहीं कर। और वैसे भी हम लोग कौन सा नशा करते हैं यार, इतना जवानों का शुगल है मेरे बच्चे। बस ठीक है शफकत भाई, मुझे यही शुगल करना है, मैं आपके साथ हूँ। मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू फिकर ही नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ, समझा? इसलिए तो आप शफकत भाई हैं मेरे। चल मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज़। चल बेटा चाय ले आ जल्दी। अम्मी दादी और जमान अब्बू के ना आने पर बहुत दुखी हो रही थी। अम्मी को दादी अम्मा की असलियत पता नहीं कब समझ आएगी।
मैंने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो सायम और महक को याद करके रोने लग गई। देखो जन्नत, वो हमारे भी बहन भाई हैं, हमें भी उनकी याद आती है, लेकिन दादी अम्मा ने उनको हमारे खिलाफ इस तरह भर दिया है कि वो हमसे नफरत करने लगे हैं अब। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अम्मी तुम्हारी वजह से भी बहुत परेशान है, कर लो ना शादी तुम भी। मैं अभी शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती, इसलिए कि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है। तुम हमें हमारा घर और जायदाद वापस दिलाना चाहती हो, यही बात है। तो ये सब शादी के बाद भी हो सकता है, ये हम सबकी लड़ाई है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जन्नत तुम बहुत लकी हो, तुम्हें हुमायूं भाई जैसे हस्बैंड मिले। अब जरूरी तो नहीं ना कि मेरा हस्बैंड भी मुझे वैसा ही मिले। हुमायूं कैसे थे ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, तुम भी कोशिश करके देखो। अभी मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं सोचना चाहती, सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे रखना चाहती हूँ। दादी अम्मा, ये सबा मुझ पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है और मुझ पे भी फालतू की पाबंदियां लगा रही है। तौबा है तौबा, ये शिकायत मुझसे क्यों कर रहे हो? जा जाके अपने बाप जमान को बोलो जिसकी वो लाडली है। दादी क्या हो गया है आपको? पुरानी अम्मी के जमाने में तो सिला और जन्नत छोटी सी गलती करते थे तो आप उनकी क्लास ले लेती थी, पर अब? पहले अम्मी दादी अम्मा के खौफ से अपने रूम से नहीं निकलती थी और अब सिस्टम बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या मतलब? वेरी सिंपल, अब आप सभा के डर से रूम से नहीं निकलती हैं। अरे डरती है सभा से मेरी जूती? मैं अभी चाहूँ ना तो चुटिया पकड़ कर घर से बाहर निकाल सकती हूँ। बस दादी, ये विलन वाले डायलॉग छोड़ें और अब एक्शन पे आ जाएं। अब जो करना सभा को करना, दादी अम्मा कुछ नहीं कर सकती। अब तुमने सही कहा है, तुम्हारा बाप हो गया जोरू का गुलाम, वो तो मेरी सुनता ही नहीं है। मैंने बहुत अच्छा नाम लिखा इसका, अब्दुल्ला। वो पता मेरे दादा का नाम था। पता है, अम्मी कहती है कि इसकी शक्ल आपसे मिलती है। अरे मुझे तो इसकी शक्ल तुमसे मिलती हुई नजर आती। पता है, कहते हैं शौहर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है तो उसकी औलाद बिल्कुल बीवी की शक्ल की होती। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं तो ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मुझसे मुझे कहीं ज्यादा प्यार करती। अच्छा, आपकी नजर में कोई लड़का है क्या? सिला के लिए? पहले वो शादी के लिए मान तो गए। अगर हम उसे समझाएंगे तो शायद वो मान जाए। हम बड़े हैं, हमें ही कुछ करना होगा। अच्छा, वो काशिफ बुरा नहीं था? हाँ, उसकी कॉल भी आई थी। फिर क्या मसला? इतना सब कुछ होने के बाद सिला उससे शादी करने को कभी नहीं मानेगी। लड़के बिना इस वक्त कौन हो सकता है? फदे क्या? सौतेली दादी की वजह से एक दफा हमने घर छोड़ा था, पर इस बार ये सौतेली माँ की वजह से घर छोड़कर यहाँ आ गए। तो जमान अंकल और अम्मा जान ने पूछा नहीं कि कहाँ जा रहे हो घर छोड़ के? उन्हें बताए बगैर यहाँ पर आ गए हैं, हमें अब्बू को कॉल करके बता देना चाहिए। अच्छा सिला, एक बात बताओ, आज दफ्तर से तुम जल्दी वापस आ जाओगी? नहीं अम्मी, मैं तो ऑफिस से यूनिवर्सिटी जाऊंगी और फिर आते आते रात हो जाएगी। खैरियत, कोई काम है? मैं चाह रही थी कि हम जमान और अम्मा जान की तरह जाएं। लेकिन अब आपको उनके पास क्यों जाना है? महक को सांप पे होने वाले जुल्म की तकलीफ बताने के लिए। तौबा है तौबा, मेरे घर में फसाद का बीज बोकर मुझसे पूछ रही है कि क्या हुआ? अरे महक और सांप अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहाँ चले गए वो लोग इतनी सुबह सुबह? अम्मी आप हटे, मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप जाके आराम करें। नहीं नहीं, आज मैं अपने हाथों से नाश्ता बना के उनको खुद खिलाऊंगी। अम्मी वो मेरे भी बहन भाई हैं, आप उनके पास जाकर बैठे बातें करें, मैं नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। क्यों खामोश हो जाऊं मैं? आज तक मैं ही खामोश थी,
इसलिए चोरी का इल्जाम और अब जालिम सुतेली माँ का इल्जाम लग गया मुझ पे। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। आज मेरे पास वो प्रूफ है कि मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी नाक के नीचे आज तक क्या होता रहा है। अरे गोली मार सबूत को, मुझे ये बता मेरे बच्चे का है।